मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन थर्ड का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भ्रूणोद्भव का अध्ययन करेंगे। और भ्रूणोद्भव या इसका दूसरा नाम है भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण का परिवर्धन या भ्रूणोद्भव क्या है, इसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण का परिवर्धन या भ्रूणोद्भव, ये क्या होता है? देखो बेटा, युग्मनज से भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया ही भ्रूणोद्भव कहलाती है, भ्रूण का विकास कहलाती है। आप सभी जानते हैं, जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो निषेचन के बाद जो प्रथम निषेचन होता है उससे युग्मनज का निर्माण होता है, और ये युग्मनज आगे भ्रूण का निर्माण करता है जिसको हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब देखिए, जो भ्रूणोद्भव प्रक्रिया है इसकी खोज 1840 में एक वैज्ञानिक था हेनस्टीन, उसने कैप्सेला पादप में की थी। कौन से पादप में बेटा? कैप्सेला पादप में की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूणोद्भव का अध्ययन करेंगे। अलग अलग है, एक बीजपत्री में भी और द्विबीजपत्री में भी। डिफरेंस क्या है? इसमें दो बीजपत्र होते हैं और उसमें एक बीजपत्र होता है। तो सबसे पहले हम द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूणोद्भव या भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन करेंगे। तो देखो बेटा, आप सभी जानते हैं निषेचन से जो युग्मनज बनता है, मैंने डायग्राम के तहत बनाया है, इधर ध्यान दीजिए। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है और युग्मनज द्विगुणित होता है। अब इसमें प्रथम विभाजन होता है, प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी दो केंद्रकों का निर्माण होता है, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक और इसके बीच में ये पट या भित्ति आ जाती है, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। निभागी क्षेत्र ऊपर की ओर होता है, बीजांड द्वार नीचे की ओर। निभागी क्षेत्र की ओर भ्रूणीय सेल या सीड सेल्स या अग्रस्त सेल्स का निर्माण होता है, और जो बीजांड द्वार की तरफ है उधर कौन सी बेटा? आधारी सेल का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर भ्रूणीय सेल और नीचे आधारी सेल्स। कई बुक में इसको उल्टा भी दे रखा है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस आप तो इसी को क्लियर करें। यानी ऊपर की ओर भ्रूणीय सेल और नीचे आधारी सेल, ऊपर की ओर निभागी क्षेत्र है, नीचे बीजांड द्वार है। अब देखो बेटा, सबसे पहले जो विभाजन शुरू होंगे वो कौन सी सेल में होंगे बेटा? आधारी सेल में होंगे। कौन सी सेल में बेटा? आधारी सेल में विभाजन होंगे, और आधारी सेल का केंद्रक विभाजित होकर 6 से 8 कोशिकाओं का एक समूह बनाता है। कितनी कोशिकाओं का बेटा? 6 से 8 कोशिकाओं का एक समूह बनाता है, इस तरह से अनुदैर्ध्य रूप में। सबसे पहले इसमें विभाजन होंगे। देखो, ये कोशिका 1 से 2 बनाकर यहीं स्थिर हो गई, ये वाली कोशिका यहीं स्थिर हो गई। देखिए, इसमें सबसे पहले विभाजन नहीं होंगे, तो इसको यहाँ की यहाँ रख दें। कि सीड सेल में पहले विभाजन नहीं होंगे, पहले विभाजन किस में होंगे बेटा? आधारी सेल में। और आधारी सेल्स में अनुदैर्ध्य विभाजन होंगे, जिससे एक केंद्रक एक के बाद 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह 8 कोशिकाओं का निर्माण करता है। देखो, 6 से 8 कोशिकाओं का, जिसे हम निलंबक कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा बेटा? निलंबक। इस निलंबक की सबसे नीचे की कोशिका फूल कर बड़ी हो जाती है, जिसको हाइपोफाइसिस कहेंगे, नीचे वाली, और ये मूल गोप का निर्माण करती है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि मूल गोप का निर्माण कौन सी सेल से होता है भ्रूण में, तो वो कौन सी है बेटा? हाइपोफाइसिस। इसके बाद जो सीड्स वाली कोशिका है, ये आकार में फूल जाती है, और ये भी, इसको हम चूसकांग कहते हैं, ये भ्रूण पौध से भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। तो चूसकांग का निर्माण लास्ट वाली सीड सेल से होता है निलंबक की, और नीचे वाली हाइपोफाइसिस, जिसे मूल गोप का निर्माण होता है। ये विभाजन यहीं पर रुक गया। अब किसमें विभाजन होंगे बेटा? भ्रूणीय सेल्स में, सीड सेल्स में। देखो, इसमें 1 से 2 और 2 से कितने बेटा? 4 कोशिकाओं का समूह बनता है। विभाजन कैसे होंगे बेटा इसमें? इसमें विभाजन होंगे कैसे? अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, और उसमें कैसे हुए थे बेटा? अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ विभाजन से 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकाओं का समूह बनता है। देखो, ये 8 कोशिकाओं का समूह बन गया, जिसको हम अष्टांगसक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अष्टांगसक। और ये नीचे वाली जो आधारी सेल्स का जो विभाजन था, इससे जुड़ा हुआ होता है। इस अष्टांगसक में हाइपोफाइसिस के पास वाली ये 4 कोशिकाएँ, 1, 2, 3, 4, ये हाइपोबेसल कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा? हाइपोबेसल। और ये किसका निर्माण करती हैं? अधो बीजपत्र।
अधोबीज पत्र, अधोबीज पत्र और मूलांकुर का निर्माण करती हैं। इसके पश्चात ऊपर वाली जो चार कोशिकाएं हैं इनको हम एपिवेसल कहते हैं, ऊपर वाली चार ये, और ये क्या करती हैं बेटा, बीज पत्र और प्रांकुर का निर्माण करती हैं। अर्थात ये ऊपर वाले हिस्से का निर्माण तो इन चार कोशिकाओं से, नीचे वाले का इन चार कोशिकाओं से होता है। ये जो है ये भाग किससे बनता है बेटा, आधारी सेल से बनता है। उसके बाद ये संरचना हृदयाकार हो जाती है, पहले गोल फिर हृदयाकार और अंत में बीजांड, यानी हम कहेंगे कि बीज के अंदर संचित हो जाती है। तो ये संरचना को, इस प्रक्रिया को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। रिपीट कर रहे हैं, एक बार ध्यान दें, आज का टॉपिक था भ्रूणोद्भव। पादपों में युग्मनज से भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया ही भ्रूणोद्भव कहलाती है, जिसकी खोज 1840 में हेंस्टीन वैज्ञानिक ने कैप्सेला पादप में की थी। अब देखो बेटा कैसे होता है, द्विबीजपत्री में सबसे पहले युग्मनज होता है, युग्मनज में पहला अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, निभागी भाग की ओर भ्रूणीय सेल या सीड सेल्स, नीचे की ओर आधारी सेल। सबसे पहले आधारी सेल्स में अनुदैर्ध्य विभाजन से 6 से 8 कोशिकाओं का समूह बनता है, जिसे हम निलंबक कहते हैं, और इस निलंबक की ऊपर वाली कोशिका चूसकांग का निर्माण करती है, नीचे वाली हाइपोफाइसिस का, जो मूल गोप का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात भ्रूणीय सेल्स में विभाजन शुरू होते हैं और ये 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाओं का समूह बनाती है, जिसे हम अष्टांगसक कहते हैं, जिसमें नीचे वाली चार कोशिकाएँ हाइपोबेसल कहलाती है, जो हाइपोफाइसिस के पास हैं, और ये अधोबीजपत्र और मूलांकुर का निर्माण करती हैं, जबकि ऊपर वाली चार एपिबेसल कहलाती हैं, जो प्रांकुर और बीजपत्र का निर्माण करती हैं, और ये संरचना अंत में गोल और फिर उसके बाद हृदयाकार हो जाती है और बीज के अंदर संचित रह जाती है। तो ये प्रक्रिया ही भ्रूणोद्भव कहलाती है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।